Hello students, how are you? This is your 11th chapter of grammar book and chapter name is conjunctions. So conjunctions, what do you mean by the conjunctions? Conjunctions are words used to join words, phrases or sentences. Conjunctions kya hote hain? Conjunctions वह words होते हैं जो use किए जाते हैं words को join करने के लिए, phrases को join करने के लिए और sentences को join करने के लिए. तो चलिए अब देखते हैं इसकी टेबल. दीज आर ऑल वर्ड्स गिवन इन कंजंक्शंस कॉलम्स रिलेटेड टू द कंजंक्शंस लाइक एंड बट बिकॉज व्हेन दो ऑल दो एंड व्हाइल और सिंस. ये जितने भी वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं ये सारे आपके क्या हैं? कंजंक्शंस वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए. तो चलिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम एंड का. शोज एडिशंस ऑफ टू थिंग्स. जब हम किसी दो चीज के बारे में बता रहे हैं टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट शो सिमिलर आइडियाज. सिमिलर आइडियाज हो तो भी हम जो है एंड यूज करते हैं. जैसे हम एप्पल्स और मैंगोज की बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल है आई लाइक एप्पल्स एंड मैंगोज. यहाँ पर हम एप्पल्स की और मैंगोज की, ये फ्रूट्स हैं, सेम सीरीज हैं, सेम सिमिलर है ये, दैट्स वाई यहाँ पे हमने एंड यूज किया है. करेक्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट बट. बट कहाँ पर यूज करते हैं? शोज कंट्रास्ट और ऑपोजिट आइडियाज. तो बट और ऑल्सो टू ज्वाइन कंट्रास्टिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस. ठीक है, हम जब दो चीज को आपस में जोड़ते हैं और लेकिन अपोजिट आइडियाज को जब जोड़ते हैं उसके लिए हम जो है बट अप्लाई करते हैं. आई लाइक एप्पल्स बट आई डोंट लाइक मैंगोज. हम यहाँ पे डिफरेंट बता रहे हैं कि हम इसको पसंद करते हैं लेकिन उसको पसंद नहीं करते मैंगोज को. तो यहाँ पे हम इस आइडियाज के लिए जो है हम बट अप्लाई करेंगे. आइए बिकॉज पे. बिकॉज किस लिए होता है? येस गिव्स अस अ रीज़न. किसी चीज का कारण बताने के लिए हम जो है बिकॉज यूज करते हैं. आई वेंट टू द मार्केट बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाई सम एप्पल्स. यहाँ पे हमने बिकॉज इसलिए यूज किया है क्योंकि वो सम एप्पल्स खरीदना चाहता था. ओके, नाउ कम नेक्स्ट हियर व्हेन. व्हेन कब अप्लाई करते हैं? येस डेफिनेटली शोज टाइम. हमेशा जब व्हेन को हम यूज करते हैं तो इसका मतलब वो हमें जो है टाइम बताता है. टू शो रिलेशन बिटवीन टू इवेंट्स ऑल्सो, है ना. द मैंगोज राइपन व्हेन द वेदर इज वार्म. तो मैंगो जो है, तो आम का पकते हैं जब वेदर जो है गर्म हो जाता है. तो ये टाइम ही बता रहा है. चलिए नेक्स्ट है आपका दो और ऑल दो. इट शोज अ फैक्ट दैट मेक्स अनदर फैक्ट लुक सरप्राइजिंग और अनयूजुअल. जब हम किसी चीज को, कोई भी हमारा फैक्ट जो होता है एकदम से वो सरप्राइज हो जाता है तो उसके लिए हम ऑल दो. और टू शो टू अपोजिट स्टेटमेंट्स या फिर हम जो है टू अपोजिट स्टेटमेंट्स के लिए भी इनको अप्लाई करते हैं. लाइक एग्जाम्पल दो वी वर टायर्ड वी फिनिश द वर्क एंड ऑल दो शी टायर्ड वेरी हार्ड शी कुड नॉट गेट द जॉब. नेक्स्ट इज वाइल. सो टू शो कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स. ओके, सो वाइल ही वॉज स्लीपिंग द बॉय एस्केप्ड. Ronnie likes pop music while his brother like classical songs. तो चलिए फटाफट से लास्ट के टू और देखते हैं. और पता है आपको चॉइस के लिए जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में भी दिया जाता है, अगर आपको दो क्वेश्चन में ऑप्शन दी जाती है तो वहाँ पे हम चॉइस के लिए और अप्लाई करते हैं. लाइक एग्जाम्पल विच बेलून डू यू वॉन्ट रेड और ब्लू. सेंस कहाँ पर यूज होता है? सेंस होता है यूज टू गिव रीजन. किसी चीज के लिए हम जब रीजन देते हैं तो हम सेंस यूज करते हैं. सिंस इट वॉज ग्रैंड मदर्स बर्थडे आई मेड अ कार्ड. तो चलिए फटाफट से बुक एक्सरसाइज करते हैं. यूज कंजंक्शंस फ्रॉम द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज टू फिल इन द ब्लैंक्स. तो चलिए फर्स्ट में आपका यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यस सिमिलर आइडियाज की बात कर रहे हैं. दैट्स व्हाई जैसे जैक एंड अ गर्ल नेम्ड जिल. तो यहाँ पे हम दो जो हैं
जैक की बात कर रहे हैं और जिल की बात कर रहे हैं तो एंड आएगा, ओके। एंड सेकंड में बट आएगा, क्योंकि हम बट कब शो करते हैं? टू जॉइन कंट्रास्टिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस, या फिर अपोजिट आइडियाज के लिए। गॉट इट? तो यहां पर सेकंड में बट आएगा। थर्ड में बिकॉज, बिकॉज किस चीज के लिए बताया था? रीजन के लिए, ओके। फोर्थ में सिंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। एंड फिफ्थ में बिकॉज, सिक्स में ऑल्दो, सेवेंथ में व्हेन, एट्थ में और एंड नाइन्थ में ऑल्दो। चलिए आगे देखते हैं, और टेंथ में ऑल्दो भी लगा सकते हैं आप और व्हाइल भी लगा सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड पेयर्स एज कंजंक्शंस। तो यहाँ पर आपके कंजंक्शंस तो यूज़ होते हैं, लेकिन ऐसे भी कंजंक्शंस वर्ड्स हैं जो पेयर में यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। हम खाली ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते नॉट ओनली अपने सेंटेंस में या खाली बट ऑल्सो, नो। ये जो हैं दो पेयर की तरह हैं, जैसे आपके लैग पेयर हैं, आपके आपके साथ साथ चलते हैं, ऐसे ही ये कंजंक्शंस वर्ड्स हैं जो साथ साथ चलते हैं। नॉट ओनली के साथ आप अप्लाई करेंगे बट ऑल्सो। तो लाइक एग्जाम्पल इज गिवन हियर, शी इज अ डांसर, शी इज अ सिंगर। हम यहाँ पर एक ही गर्ल की बात कर रहे हैं, बट हमने जो है सेंटेंस को डिफरेंट कर दिया है। एक सेंटेंस है शी इज अ डांसर और दूसरा सेंटेंस है शी इज अ सिंगर, लेकिन इसी को शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए हम कंजंक्शन ज्वाइन कर लेते हैं। और उसको कैसे शॉर्ट करते हैं? नॉट ओनली इज शी अ डांसर बट ऑल्सो अ सिंगर। सो वॉट इज इट मीन? इट मीन्स दैट कि ना केवल वह डांसर है बल्कि एक सिंगर भी है, ओके। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ आप नॉट ओनली अप्लाई करेंगे वहाँ आपको बट ऑल्सो भी अप्लाई करना है एज अ कंजंक्शंस, ओके। चलिए लेट स्टार्ट द एक्सरसाइज। टेक द सेंटेंसेज वर नॉट ओनली बट ऑल्सो हैज बीन यूज करेक्टली। जहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो करेक्ट फॉर्म में यूज हुआ हुआ है वो आपको सेंटेंस बताने हैं। तो चलिए करेक्ट फॉर्म में यूज हुआ हुआ है फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी एंड ऑल्सो फिफ्थ भी। सो दीज आर द करेक्ट आंसर्स ऑल। तो चलिए फटाफट से इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। ज्वाइन दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। आपको ये बताने हैं कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो कहाँ कहाँ अप्लाई है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ तो ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। यस, तो चलिए कहाँ पे हो सकता है? आई नॉट वोर अ कोट बट आई वोर अ मफलर। तो यहाँ पे आपका आएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो। आई नॉट ओनली वोर अ कोट बट ऑल्सो आई वोर अ मफलर, करेक्ट। सेकेंड, आई लाइक प्लेइंग नॉट ओनली बैडमिंटन but also basketball. In a place of I like playing, you have to write but also. Third, my sister ate not only ice cream but also chocolate. My sister ate नहीं आएगा, repeating of the words यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए fourth की करते हैं। She likes not only salads but also soups. Fifth, they were not only late but also stuck in traffic. Sixth, not only can he sing but also dance, correct. Seventh, not only were we thirsty but also had no water. Eighth, not only does she write plays but also acts in plays, correct. See the next. Ninth, she is not only an architect but also well-known author. We not only had lunch at a restaurant but also we rested in our way. चलिए आगे देखते हैं, लेट्स परफेक्ट इट। चूज द करेक्ट कंजंक्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस।
आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ब्रैकेट में, आपको उसके अकॉर्डिंग जो है करेक्ट कंजंक्शन अप्लाई करना है अपने सेंटेंस में। तो चलिए, सो इन फर्स्ट सेंस विल कम, इन सेकेंड ऑल दो, ओके बट नहीं आएगा यहाँ पर, थर्ड में आपका व्हेन आएगा, डब्ल्यू एच ई एन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, फोर्थ में बिकॉज आएगा, फिफ्थ में एंड आएगा, सिक्स में सिंस, सेवेंथ में नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड इन एट बिकॉज, नाइन्थ एंड टेंथ में व्हाइल। नाउ कम टू द नेक्स्ट बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको ये जो है कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस, आप अपनी तरफ से भी इसको जो है अपने ओन वर्ड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। यू कैन राइट एनीथिंग बट इट शुड बी इन कंप्लीट सेंस, ओके। We wanted to watch the film, but I had some work to do. Second, since it was raining, I took cover under a tree. Third, I bought not only a box of crayons, but also a packet of sketch pens. Fourth, he was overjoyed because he had managed to clear the test. And in fifth, wait here while I fetch the books. Now turn your page and come to the sixth. When it is winter, these birds migrate to the northern regions. Seventh, we hurried home and waited for the match to begin. Eighth, though we were exhausted, we decided to play one more game. And here C part is given. Use these conjunctions to make sentences of your own. So you can write anything according to your own mind, but it should be meaningful. Okay, so hope you understood all this, whatever we have done in this video. In our next video, we will do the next chapter. अगर आप देखना चाहते हैं next chapter को तो subscribe कीजिए, share कीजिए और साथ में please like भी कीजिए. Next chapter होगा हमारा phrases and clauses with answers. So bye bye to all.